नमस्कार दोस्तों, फर्न अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज मैंने मंगाया है बोया का BY M1। देखते हैं इसमें क्या दिया है। चलिए इसे हम इसके कवर पे देखते हैं, ये ओरिजिनल है भी या नहीं, या इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। देखने से तो ये ओरिजिनल ही लग रहा है, बाकी इसका परफॉर्मेंस इस्तेमाल करने के बाद मालूम चलेगा। हमें एक माइक्रोफोन का आवश्यकता था, बोया का माइक्रोफोन चीप एंड बेस्ट में अच्छा है, जैसे मैंने 1400 रुपये में फ्लिपकार्ट से लिया है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक थैला है लेदर का, और इसमें एक गाइड है, यूज़र गाइड है, और ये वारंटी कार्ड है। ये बोया का स्टिकर है एक, चलिए अब हम बैग को खोलते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। ये रहा माइक्रोफोन विद केबल, ये स्टिकर एक और अंदर से निकला। बैग तो काफ़ी अच्छा है जिस पर बोया लिखा हुआ है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं माइक्रोफोन को। और ये छोटे से थैले में बैटरी, क्लिप, और ये पता नहीं इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, हमने फर्स्ट टाइम मंगाया है। ये है माइक्रोफोन विद केबल, चलिए इसको खोलते हैं। वायर काफ़ी लंबा है, लगभग 50 मीटर के आसपास होगा ये वायर। इसके दो स्विच हैं, एक कैमरा के लिए, एक स्मार्टफोन के लिए, जिसमें भी इस्तेमाल करना हो स्विच को ऑन ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जब कैमरा में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एक बैटरी दिया है इंसर्ट करने के लिए, इसमें बैटरी लगा के यदि फ़ोन से इस्तेमाल होगा तो बैटरी की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। ये इसका वॉइस के लिए है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है हम इसको यूज़ करके बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। ये इसका क्लिप है, ये सेट में या कहीं भी इसको क्लिप करके एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा होगा अगले वीडियो में आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। नमस्कार दोस्तों।